यूपी के बुलंदशहर में बारात लेकर पहुंचे शराबी दूल्हे ने 20 लाख रुपए दहेज की मांग की तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे और उसके कई रिश्तेदारों को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दुल्हन अब सरकार से बिहार की तरह यूपी में भी शराबबंदी की मांग कर रही है। हाथ व पैरों में मेहंदी लगाए बैठी ये है प्रिया, जिसने दूल्हे की तरफ से दहेज की मांग करने पर शादी से इनकार कर दिया। दरअसल बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रिया का रिश्ता मेरठ के मवाना में रहने वाले फौजी अभिषेक से तय हुआ था। 4 मार्च को दूल्हा अभिषेक बारात लेकर पहुंचा। बारातियों ने जमकर दावत उड़ाई तो दूल्हे ने शराब। जैसे ही दुल्हन को पता चला कि दूल्हा शराब के नशे में धुत है तो दुल्हन दूल्हे के पास जा पहुंची। दुल्हन को देख शराबी दूल्हे ने उसके परिजनों से जैसे ही 20 लाख रुपए की मांग की तो दुल्हन ने शराबी व दहेज लोभी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। प्रिया की मां ने तो उसके परिजनों ने दहेज का सारा सामान दिया था, 7 लाख रुपए की कार और लाखों रुपए के आभूषण और नकदी दिए, लेकिन इसके बाद भी दूल्हे ने और 20 लाख की मांग कर दी। वहीं थाने में पहुंच दूल्हे ने अब अपनी गलती मानी है। दूल्हे का कहना है शराब पीने के कारण वो अपना आपा खो बैठा था। सर दारू पी के आए और डिमांड कर रहे हैं 20 लाख रुपए कैश दो, उसके बावजूद उन्होंने गाड़ी दिया, जेवर दिया, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद वो डिमांड कर रहे हैं और शराब पी रखे, इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं सबकी। ऐसे प्रति से शादी नहीं करूंगी, आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। बारात थोड़ी लेट थी, 10-11, 10:30 के आसपास। भाई इतना मेरे को भी ध्यान नहीं थी, मैंने भी ड्रिंक कर रखी थी, उनको भी कोई नहीं ड्रिंक कर रखी थी, पता नहीं इसी क्या हुआ मेरे को खुद।